नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसान भाइयों, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कि अधिकांश फसलों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक कीट लीफ माइनर, जिसे पर्ण सुरंगक भी कहते हैं। ये कीट पेड़ पौधों की पत्तियों को अंदर ही अंदर खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए समय रहते इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो कैसे करें इसका नियंत्रण, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची कीट वैज्ञानिक डॉक्टर मिलन कुमार चक्रवर्ती से। आज के विषय वस्तु है कि खरीफ फसलों में लीफ माइनर के प्रकोप एवं उनका नियंत्रण। लीफ माइनर बहुत ही छोटे कीट होते हैं। इन कीटों का प्रकोप प्राय सभी फसलों में देखा जा सकता है, जैसे टमाटर, खीरा, ककड़ी, नेनुआ, गेंदा, सोयाबीन, नींबू इत्यादि फसलों में लगाते हैं। इस कीट का प्रकोप पौधे की पत्तियों पर होता है। यह बता देना है कि लीफ माइनर मतलब क्या होता है कि हिंदी में इसको कहते हैं पत्र सुरंगक। ये माइनर जो शब्द है, ये माइन यानी कि खदान से संबंधित है। खदान में जैसे सुरंग बनाता है लोग, वैसे ही वो लीफ माइनर के जो कीट है, ये पत्र में यानी कि पत्ता में छेद करके। लीफ माइनर कीटों का जीवन चक्र मादा मक्खियों के द्वारा चलता है। मादा मक्खी पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर अंडे देती हैं। अंडे देने के 2 से 3 दिन के अंदर ही ये अंडे फूटना शुरू हो जाते हैं। अब अंडे पूरी तरह से फूट जाते हैं, तब इनमें से छोटी छोटी इल्लियां पत्तों के अंदर सुरंग बनाकर पत्तियों के अंदर उपस्थित हरित पदार्थ को खाना शुरू कर देती हैं। जानना बहुत जरूरी है कि पत्ता में छेद करके लोग सोचेंगे कि कैसे छेद करेंगे। पत्ता में छेद करेंगे तो इस पार से उस पार चल जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि पत्ता जो है वो उसमें भी 2 सतह होता है, ऊपरी सतह और निचली सतह। ये दोनों सतह के बीच में वो कीट का अंडा जब फूटता है, मादा कीट देती है, अंडा फूटता है, तो अंडा से बच्चा निकलने के बाद वो अपना भोजन करते हुए आगे बढ़ता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि पत्ता में सांप के आकार में टेढ़ा मेढ़ा जो है धाड़ी दिखाई देता है, उजला उजला हो जाता है, हरा पत्ता में उजला धाड़ी, और वो धाड़ी धीरे धीरे बढ़ते रहता है, और बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि सारे पत्ता में वो अंदर का हिस्सा को खा जाते हैं, जो उसका लार्वा लखाने के नतीजा क्या होता है कि जो कलर है, रंग बदलने लगता है, वो पीला पड़ जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रभावित हो जाता है और पत्ता गिर जाता है। लीफ माइनर छोटे कीट के लार्वा होते हैं, जो नर्म फसलों की पत्तियों की परतों के बीच में दब जाते हैं। वयस्क कीट पत्तियों में अंडे देते हैं और लार्वा बाहर निकलते हैं। ये कीट फसलों की पत्तियों के अंदर सुरंग बना कर रहते हैं। जिन भी फसलों में इनका आक्रमण होता है, उस फसल की पत्तियों पर टेढ़ी मेढ़ी सफेद धारियां बनी दिखाई देती हैं। अगर इन पत्तियों को तोड़कर देखा जाए तो ये पीले और काले रंग की होती हैं। इनका जीवन चक्र इतना तेज चलता है कि 1 साल में इनकी कई पीढ़ियां पाई जाती हैं। जैसे ही दिखाई दे कि पत्ता में टेढ़े मेढ़े धाड़ी दिखाई देता है उजला रंग का, और धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो उसी समय उसका कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए उपाय करना है। इसके नियंत्रण के लिए हम ऐसे कीटनाशी का प्रयोग करेंगे। पहले तो हम कीटनाशी का नहीं, उसके पहले हम नीम से निर्मित यानी कि नीम तेल का प्रयोग करेंगे। 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर उसमें थोड़ा सा सर्फ पाउडर मिलाकर स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे।
लीफ माइनर कीट से फसलों को बचाने के लिए शुरुआत में ही यदि संभव हो तो कीट से ग्रसित पत्तियों को तोड़कर निकाल देना चाहिए। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें, समय समय पर खेत की निगरानी करें। अगर हम जैविक कीटनाशी का ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैविक कीटनाशी में बीटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बैसिलस थुरिंजियंसिस, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। स्पाइनोसाइड ये भी एक जैविक कीटनाशी में ही पाया जाता है, स्पाइनोसाइड का भी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। ये सब बहुत कारगर दवा है, स्पाइनोसाइड तो बहुत ही कारगर दवा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना जरूरी है, एक कीटनाशी मान लीजिए 3 या 4 बार छिड़काव करना है तो एक कीटनाशी का रिपीटेड यानी कि बार बार उसका छिड़काव नहीं करना है। एक कीटनाशी का छिड़काव हो जाने के 7 से 10 दिन बाद दूसरे कीटनाशी का प्रयोग करें। किसान भाइयों, सड़क के किनारे आप लोगों ने बहुत सी नर्सरी देखी होगी जहाँ पर रंग बिरंगे फूल और कई फलों के पौधे भी मिलते हैं। ये एक अच्छा व्यवसाय है, आप इसे अपनाकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इस व्यवसाय की खासियत है कि इसे कम लागत में और कम जगह में आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए पौधों के नर्सरी व्यवसाय के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा से। नर्सरी में जो फल वाले पौधे तैयार करने से आज हमारे किसान भाई या जो बेरोजगार युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इसका शुरुआत करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी का व्यवसाय, फूलों का व्यवसाय आजकल बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और ये व्यवसायिक तौर पर हमारे किसान भाई लाखों रुपए कमा सकते हैं। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहाँ बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर व्यावसायिक नर्सरी में फल, फूल, सब्जी, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। अगर आप नर्सरी का व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो हमारे किसान भाई कुछ प्रमुख बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि जहाँ नर्सरी आप शुरू करने जा रहे हो वहाँ पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। स्थान जहाँ पर आप नर्सरी लगाने वाले हैं वहाँ पर छाया, थोड़ा बहुत पैसे पौधे होने चाहिए जिससे छाया हो। इसके साथ साथ जानवरों से बचाव होना चाहिए, प्रॉपर फेंसिंग करवाएं, चारों तरफ से तार की कटीली वाड़ लगवाएं या कुछ ऐसे पौधे का जैसे नींबू हो गया या करौंदा हो गया, इनकी झाड़ का भी आप बाउंड्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जल निकास की समुचित व्यवस्था हो, ऊंचा जमीन होना चाहिए और मिट्टी जो है वो बलुई दोमट होनी चाहिए, भरपूर जीवांश से युक्त होनी चाहिए जिसकी उर्वरा शक्ति अच्छी हो। ऐसी मिट्टी का चयन करें, ऐसी जगह का चयन करें। मिट्टी की जो गहराई है कम से कम 15 से 25 सेंटीमीटर का मिट्टी अवश्य और होना चाहिए, क्योंकि यदि बिल्कुल कंकड़ीली और पथरीली मिट्टी होगी तो वहाँ पर नर्सरी लगाना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। लेकिन पॉली एवं ग्रीन हाउस के बनने का प्रारंभिक खर्च ही एक बड़ा अवरोध बन जाता है। इसके लिए आप कृषि विभाग से अनुदान ले सकते हैं और मुख्य रूप से इस बात को देखिए कि जो आप जहाँ पर नर्सरी लगाने जा रहे हैं वहाँ पर आपको किस पौधे का, किस फूल का डिमांड है। यदि आपको लगता है कि गेंदा अच्छा बिक्री होगा तो आप वहाँ पर गेंदे की नर्सरी को बढ़ावा दें, और यदि आपको लगता है ग्लैडुलस, कार्नेशन, एस्टर जैसे सजावटी पौधों की आवश्यकता है तो आप उस तरह की नर्सरी को बढ़ावा दें। तो हम सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो बेड प्रिपरेशन होता है यानी कि नर्सरी मैनेजमेंट करें कैसे। ऊंची उठी हुई बेड जो है नर्सरी बनाने के लिए जो मिट्टी है उसको अच्छी तरीके से जुताई करके भरभरा बना लें, और इसके बाद उसमें जो भी घास या पत्थर वगैरह हैं, वो पुराने उसमें लकड़ी या कुछ इस तरीके के पार्ट हैं उसको बिल्कुल हटाकर साफ कर दें। क्यारी को जो है 10 से 15 सेंटीमीटर तक, एक क्यारी को लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक ऊंचा रखें, और मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें 2 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू और 1 भाग सड़ी गोबर की खाद, इस तरीके का कंपोजिशन आप बनाकर रेडी कर लें उस बेड को बनाने के लिए।
इसके साथ ही साथ जहाँ भी बेड बनाने जा रहे हैं उस बेड में शोधन करना उसका बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके शोधन के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवा बाजार में मिलती है जिसका 0.3% घोल बनाकर स्प्रे कर दें, बढ़िया से उसकी ड्रेंचिंग कर दें, तो इससे क्या होगा किसी जो फफूंदजनक जो बीमारियाँ होती हैं वो आपके पौधों में नहीं आएंगी और जो फ्लावर बेड होगी वो आपकी सुरक्षित रहेगी। प्राथमिक बागवानी नर्सरी वो स्थान है जहां मूल वृंत तैयार करने के लिए बीजू पौधों की बीज की बुवाई की जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्यारियां, प्रोट्रे, प्लास्टिक क्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। पपीता, अमरूद, नींबू वर्गीय आदि पौधे जिनके बीज छोटे होते हैं उनकी बुवाई प्राथमिक पौधशाला में कर सकते हैं और बीज अंकुरण के 15 से 20 दिन पश्चात उनको द्वितीयक पौधशाला में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ बीज का जो अंकुरण होता है वो भी लगभग 7% होता है, बहुत कम नुकसान होता है क्योंकि बीज काफ़ी महंगा होता है, फूलों के जो हमारे बीज होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो अंकुरण अगर प्रभावित हो गया तो किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है, इसलिए जो ऊंची बेड होती है इससे अंकुरण भी अच्छा होता है और इस तरीके का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी, साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। अब एक समस्या आती है कि हम इन पौधों को गमलों में कैसे ले जाएं या गमले का चयन कैसे करें, कि गमले का चयन पौधे के अनुसार किया जाता है। यदि आप बड़ा पौधा, ये पौधे जो होते हैं कई साल के लिए लगते हैं तो इसकी जड़ें भी, पौधे बड़े हो जाते हैं बाद में और जड़ें का विकास भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें आपको बड़े साइज के पौधे गमले की आवश्यकता होगी। और कुछ जो होते हैं जैसे कि आपको इंडोर में लगाना है, घर के अंदर लगाना है, तो उसके लिए छोटे साइज के गमले होते हैं और जिसमें कि आपको सीजनल आप लगा सकते हैं, सीजन के अनुसार जिस मौसम में जो फूल आपको लगाना है वो आप उसमें लगा दिए और अगली बार उसको फिर से दोबारा उसमें चेंज कर सकते हैं। कल्चरल ऑपरेशन जैसे निकाई कुड़ाई अगर आपको करनी है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसमें इस जगह रहता है, एक बेड से दूसरे बेड के बीच में जगह रहती है, इसमें आसानी से जाके कल्चरल ऑपरेशन उसमें किए जा सकते हैं। नर्सरी में मुख्यतः हरी मक्खी, मिलीबग, स्केल कीड़े, लाल मकड़ी, लाही तथा घोंघा प्रमुख रूप से लगते हैं। रोगों में ग्रे मोल्ड, जड़ विगलन तथा तना का कैंकर प्रमुख रूप से आता है। इससे बचाव के लिए नर्सरी में किसी अच्छे कीटनाशी दवा जैसे मोनोक्रोटफॉस और रोगों के लिए रिडोमील, वेबिस्टीन का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे किसान भाई हाईटेक नर्सरी अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पॉली हाउस और शेडनेट हाउस में पौधे तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले वो अपने जिला के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में चले जाएं और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, जब वो पूर्ण रूप से ट्रेंड हो जाए तब उसके विषय में आप कार्य करें। और इसके साथ ही साथ आप जिला से जो आपका संबंधित जिला उद्यान विभाग है या जिला कृषि विभाग है वहां से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी नर्सरी आप लगाएं वो जो आपका लोकल एरिया और उसका मार्केट फूल का किस तरीके का उस तरीके से ही पौधे लगाएं वहाँ पे। और अगर हमारे किसान भाई इसके विषय में कुछ अनुदान या जानना चाहते हैं या अनुदान लेना चाहते हैं तो वो संबंधित जिला के जिला उद्यान विभाग में जाकर जिला उद्यान पदाधिकारी से मिलकर अनुदान का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान आगामी 1-2 दिन के अंदर कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है तथा कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। समस्तीपुर, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में 28 और 29 अगस्त को मध्यम से थोड़ा अधिक बारिश हो सकती है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों में दवाओं का छिड़काव आसमान साफ होने पर सावधानी पूर्वक करें।
जो भी किसान भाई धान की खड़ी फसल में सिंचाई करना चाहते हैं, वैसे किसान अभी वर्षा की संभावना को देखते हुए फिलहाल सिंचाई को स्थगित कर दें तथा वर्षा न होने की स्थिति में सिंचाई करें। धान की फसल में खैरा बीमारी दिखाई देने पर खेतों में जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम के साथ 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 5 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आसमान साफ होने पर फसल पर छिड़काव करें। पिछात धान में खरपतवार नियंत्रण का काम करें। अगाध बोई गई धान में तना छेदक कीट की निगरानी करें। अगर आपके खेतों में तना छेदक कीट दिखाई दे रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। साथ ही अधिक प्रकोप होने पर कारटाप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा या फिप्रोनिल 3G दानेदार दवा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। मक्का की खड़ी फसल में तना छेदक कीट की निगरानी करें। इस कीट से बचाव के लिए कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों के गाभा में डालें। जो किसान भाई सितंबर अरहर की बुआई करना चाहते हैं, वे 50 खेतों में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में हैं पूसा अरहर 9 और शरद। किसान भाई अरहर की बुआई से पहले बीजों को फफूंद नाशक दवा से उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित कर बुआई कर सकते हैं। उड़द की फसल में इस समय पीला मोजेक रोग दिखाई दे रहा है। इसकी रोकथाम के लिए रस चूसक कीटों का नियंत्रण करें। इसके लिए आप इमीडा क्लोरोपेट 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाई इस समय राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2, पीएफ 1, पीएफ 3, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक आदि किस्मों की रोपनी का काम कर सकते हैं। इस समय किसान भाई हल्दी, अदरक, ओल और बरसाती सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और निराई गुड़ाई का काम करें। इन फसलों में कीट व्याधियों का निरीक्षण करते रहें। मिर्च की नर्सरी गिराने का कार्य अविलंब संपन्न करें। जिनका पौधा तैयार हो गया हो वे किसान अपने खेतों में पौधों की रोपनी का काम करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलाही जिला पटना के कृषक सुरेश प्रसाद सिन्हा ने। ये हाइड्रोपोनिक्स विधि से हरा चारा उगाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश प्रसाद सिन्हा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है, ऐसे में पशुओं के लिए हरा चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम है। इस बार प्रदेश का अधिकांश रकबा सूखे की चपेट में है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारा उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है, लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। यह हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है, इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 80-85% आर्द्रता में उगाया जाता है। इस विधि से चारा उगाने के लिए एक कमरे की जरूरत होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता हो।
इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार व बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक की एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट × 1.5 फीट × 3 इंच होती है, अंकुरण निकलने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। 4वें से 10वें दिन तक इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिनों तक फव्वारे के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक हो जाती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। इस विधि से चारा उगाना काफी आसान है। किसानों को केवल चारा उगाने के लिए बीज, ट्रे और ट्रे को रखने के लिए रैकों को बनाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही एक कमरा जिसमें इन रैकों को रखा जाता है। कमरे में आमतौर पर तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे चारे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। उसी प्रकार कमरे में 80 से 85% आर्द्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आर्द्रता अधिक होगी तो पौधे गलने लगेंगे और कम होगी तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि द्वारा चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है, साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरा चारे का उत्पादन कर सकता है। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित हुई है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसीय अम्लों, विटामिन्स की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक से गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक्स चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और उनकी प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।